सभी पेरेंट्स से मेरे जो है हाथ जोड़कर विनती भी होगी। विनती क्या होगी समझ लीजिए यार, आप लोग है ना, देखो जो भी पेरेंट्स हैं जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, जो मेरी ये बातें वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, निवेदन यह है कि यार कभी अपने बच्चों को है ना इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करना, ठीक है, कि नहीं तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ही करना है, तुमसे नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर कमी है। आप आज के समय में सच में नहीं जानते कि प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर कितना है। एक तो बेरोजगारी का प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर से 50 और टेंशन्स हैं, कभी पेपर टाइम पर होते हैं, नहीं होते हैं, चीटिंग होता है, 100 कहानी होती है। आप बच्चों के हुनर को संभालो, अगर उससे नहीं हो रहा आप उसको बोलो कोई बात नहीं यार तू कर लेगा, कोई बात नहीं है, दम तेरे अंदर है, मुझे पता है तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर विश्वास दिखाया, हमेशा प्रोत्साहित किया, मेरा एक पेपर नहीं हुआ ना कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कोई बात नहीं मुझे पता है कर लोगे, वक्त बुरा है कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तुम्हारी दिख रही है। और आज यही नतीजा है कि मैं इस मुकाम पर हूँ। बहुत बार क्या होता है, माँ बाप का भी प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये समाज ऐसा है वो तो आपका कटाक्ष करता ही करता है। कभी भी पड़ोसी ये नहीं चाहेगा कि आप समाज में ऊपर उठो, कभी भी किसी भी पड़ोसी, आप अपने किसी भी रिलेटिव बोल दो, चाचा ताऊ मामा फलाना फलाना, कोई नहीं चाहता है कि आप उनके बच्चों से आगे बढ़ो, ठीक है। तो सारी नेगेटिविटी आपको मिल रही है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और मिल रहा है, तो अगर एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट आपके माँ बाप दे देते हैं, आप बच्चों को दे देते हो, तो बस बच्चा फिर देखो कितने तेजी से भागता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें तो मैं हमेशा बच्चों के लिए कहता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा निवेदन था वो माँ बाप से था, सभी बच्चों के। आप सभी अपने जाके फैमिली मेंबर्स को जरूर ये बात मेरी दिखाएं, इतनी बात उन्हें जरूर कहें कि सर का एक संदेश है, आप जरा जरूर सुन लीजिए, ठीक है।